top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Are we going to dignitaries to come to the dais and diversity and also in establishment of a close network between different gardens which ultimately will help in conservation of plants in our country. नमस्कार, मैं हूँ जूही, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम इंडिया टीवी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज इंदिरा पर्यावरण भवन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जिसके लिए मंत्री साहब खुद आए हैं। इस प्रोग्राम के लिए हफ्तों से तैयारियां चलती आ रही हैं। तो चलिए अब इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि इनका नेचर से क्या कनेक्शन है। मैम, आई एम फ्रॉम इंडिया टीवी। इंडिया टीवी से फोटो का फेसबुक अपलोड करूंगी, मुझे वहाँ पे 1000 लाइक मिलेंगे। 1000? अच्छा मैम, ये आपने चिड़िया कहाँ देखी थी? ये चिड़िया किस चिड़िया का नाम है भाई? अरे चिड़िया वही जो आसमान में उड़ती है, पंख फड़फड़ाती रहती है। अच्छा वो चिड़िया? हाँ हाँ देखी है मैंने, यही कहीं घूमती रहती है। लेकिन आई डोंट हैव टाइम फॉर चिड़िया, मुझे ये फोटो फेसबुक अपलोड करनी है। अच्छा ये आपने कहाँ चिड़िया देखी है? अरे वही छोटी सी चिड़िया जो आसमान में अपने पंख फड़फड़ाती रहती है। हाँ मैंने देखी है, जब मैं अपनी नानी के गांव गई थी ना, तो वहाँ पर एक पेड़ पर बैठी चू चू कर रही थी। और सर आपने चिड़िया कहाँ देखी है? चिड़िया? कौन सी चिड़िया? अच्छा अच्छा चिड़िया ना, अरे देखी है किताबों में, बहुत पढ़ा है उसके बारे में तो। और सर आपने चिड़िया कहाँ देखी है? चिड़िया? अच्छा अच्छा चिड़िया, वही जो नीले रंग की होती है। हाँ हाँ देखी है मैंने, जब मैं ट्विटर चला रहा था तब देखी थी, बहुत मजा आया। और मैम आप इन सब चीजों में इतने मगन हो चुके हैं कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम एक चिड़िया को जाकर देख सके। अरे भाई अगर चिड़िया देखना भी चाहते हैं तो देखे कहाँ, आज कल चिड़िया दिखती कहाँ है। अरे भाई तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अब सर आप ही बताइए, आपने शहरों की बड़ी बड़ी इमारतें तो देखी ही है ना, अब क्या आपको पता है ये इमारतें कैसे बनती हैं? ये इमारतें पेड़ काटने के बाद ही तो बनती हैं। सर आप स्मार्टफोन तो यूज करते ही हैं, क्या आप चाहते हैं कि उसमें आपको हाई स्पीड मिले? अब वो हाई स्पीड के लिए टावर तो बनाने पड़ेंगे ही, अब टावर बनाने के लिए पेड़ तो कटेंगे ही ना, फिर हम सब जाते हैं शॉपिंग मॉल मार्केट, अब मार्केट की जगह कहाँ से आती है? पेड़ काटने के बाद ही तो आती है, वही पेड़ जहाँ चिड़िया रहती है, अपना घोंसला बनाती है, अपने अंडे देती है। अब ये सब नहीं होगा तो चिड़िया रहेगी कहाँ? अब शहरों का तो ये हाल है, गाँव में भी करके देख लेते हैं। चलो देखते हैं क्या हाल है भारत के गाँव का। चलो चलो सब खेत चलाने चलते हैं। क्या कर रहे तुम लोग? अरे भाई साहब खेत चला रहे हैं, अगर खेत नहीं चलाएंगे तो गांव में बचा कचरा नहीं चलेगा, और नई फसल कहाँ से उगाएंगे, और अपना पेट कैसे पालेंगे भाई साहब? या आई रिमेम्बर, दिस इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मैं समझाता हूँ, इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन एकदम कम हो जाता है, जिससे कि हम सभी लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या सर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे? हम ऐसे तौर तरीके भी अपनाएंगे, हम
कचरे की मात्रा में कमी लाएंगे। हम यथासंभव वस्तुओं का पुनः उपयोग करेंगे। हम बिजली और पानी बचाएंगे। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूत बनेंगे। हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने जीवन को धरती माँ के लिए वरदान बनाएंगे ना कि अभिशाप। जय हिंद। देश की गहराइयों से अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कार्यक्रम बहुत ही पवित्र वातावरण और पवित्र ऊर्जा के प्रतिपादन से प्रारंभ हुआ है। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि कार्यक्रम के प्रारंभ में एक बहुत ही सुंदर गीत यहां प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार से हम प्रकृति की रिस्पेक्ट करें, मुझे बहुत पुराना ये गीत जो लगभग उसका सेंस भी इसी प्रकार का है और वो दिल्ली में शिक्षा मंत्री रहते हुए मैंने कोशिश की थी कि दिल्ली के एक एक बच्चे को उसको रटवाया जाए। उसके जो पहले दो लाइन है वो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। और बाद में इसको हम लोगों ने, मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर इसको अपना जीवन का स्लोगन बनाया और जिस कंस्टिट्यूएंसी में 5 बार चुनाव लड़के जीता वहां के एक एक वोटर को लगभग हमने ये जो स्लोगन है इसको रटवाया। मैं चाहूंगा कि जो मैडम जिन्होंने ये गीत बनाया है वो उस गीत का भी अध्ययन करें, बहुत प्यारा गीत है वो। एक बार आप, मुझे पहले पता होता कि यहाँ किस प्रकार का वातावरण है तो हम उस गीत को यहाँ पर प्रस्तुत कराने के लिए भी कुछ बच्चों को जरूर बुलवाते, लेकिन ये भी गीत बहुत सुंदर था। और दोनों गीतों को सुनने के बाद एक और शायद सबसे ज्यादा इनोवेशन से कोई काम अगर करके दिखा सकता है तो ये बच्चे अपने टीचर्स के प्रेरणा से करके दिखा सकते हैं। जैसे अभी बताया गया कि ये 4 दिन पहले ये तैयारी शुरू हुई इसकी, लेकिन मैं ऐसे, क्योंकि मैं दिल्ली में शिक्षा मंत्री भी रहा बहुत वर्ष, स्वास्थ्य मंत्री भी साथ में रहा, तो 40 मिनट के अंदर भी कितनी बढ़िया से बढ़िया चीज छोटे से छोटे बच्चे कैसे प्रोड्यूस कर देते हैं, उस प्रकार की योग्यता और क्षमता भी मैंने इन बच्चों की देखी है। और मुझे आज यहां बैठे बैठे याद आया कि सितंबर के महीने में 1994 में जब दिल्ली में प्लेग आ गया था, वो सूरत से दिल्ली में आया था, जो लोग 94 को पीछे मुड़के याद कर सकते हैं तो दे कैन अप्रिशिएट। हालांकि वो भी प्लेग आया था तो बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस विच एक्चुअली आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विद अवर एनवायरमेंटल इश्यूज ऑल्सो। तो दिल्ली में उस समय हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन की तैयारी की पीक पर थे और कंट्री में पहली बार हम लोग पोलियो इरेडिकेशन करने जा रहे थे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर, उसके लिए पहला नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जैसे होता है वैसे अभी उस समय दिल्ली में खाली हमने तय किया था और थोड़े दिन पहले प्लेग आ गया था तो चारों तरफ हड़बड़ी मच गई, हलचल हो गई और सबको चिंता लगी कि इस एटमॉस्फेयर में अगर ये कार्यक्रम होगा तो हो सकता है कि विफल हो जाए
बच्चों को उनकी माँ पोलियो केंद्र तक लेकर ना आए, और अगर पहली बार अगर ये विफल हो गया तो, क्योंकि दुनिया बहुत गंभीरता से देख रही थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी चिंता हुई, तो उन्होंने हम लोगों को सुझाव दिया कि अगर आप उचित समझे तो आप इसको थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि हमको भी ऐसा डर लगता है कि ये किसी कीमत पर फेल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 60% ऑफ द पोलियो केसेज ऑफ द होल वर्ल्ड। तो मुझे आज भी याद है कि 25 सितंबर 1994 को मैंने प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन डायरेक्टर को बुलाया, और उनके साथ तो उनके 12 डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन आए। मैं डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन क्योंकि विषय आज दूसरा है, संदर्भ दूसरा है, लेकिन